आप दोनों की बातें सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। जहां आपकी साहब ने जैसा पहले थे स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल नहीं बदले हैं, उस वक्त भी बड़ा गजब का जज्बा था इनके अंदर और वे हमेशा सच्ची बात के लिए लड़ते थे, स्टूडेंट्स आंदोलन में हिस्सा लेते थे, वही चीजें इन्होंने करना रखी हैं और बड़ी निर्भरता से इन्होंने आज बातें कही। आप पत्रकार नेता पत्रकारों का या कोई राजनीतिक आदमी अपनी बिरादरी के बारे में नहीं कह सकता, ऐसे नहीं कह सकता। बड़ी खुली खुले शब्दों में उन्होंने जो चैलेंजेज है पत्रकारिता की उस बारे में बात की होगी। इन्होंने यह भी कहा कि पत्रकार किस तरह की पत्रकारिता करते हैं उस बारे में बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। और हमारे मित्र राजेश जी ने बड़े जोश के साथ बहुत बातें रखी। अब उनको सहमत है या नहीं? सहमत तो बोल रहा हूँ, दो मिनट लूंगा आपको। तो इन्होंने बड़ी एक अच्छे तरीके से एक भावुक हो गए और दिल से जो बातें थी वो बड़ी प्रभावित करने वाली थी। इनका बीच बीच में अपनी वाणी को तेज ले जाना और फिर धीरे से भावुक होकर उसको विराम देना, धीरे धीरे बात कहना, नेचुरल प्रोसेस है, इनका अपना स्टाइल है। नहीं नहीं स्टाइल नेचुरल नहीं होगी आपकी, हाँ हाँ हाँ। तो ये बड़ा अच्छा मतलब एक अलग से लिख के बोलते हैं और दिल से बोलते हैं। तो जो बातें आप दोनों ने कही उसको बिल्कुल हम तस्दीक करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम इस बात का हिस्सा हैं, देखते हैं आपके जितनी चैलेंजेज हैं आप पत्रकारों को और किस तरह का कई दफा दिक्कतें आती हैं आपकी रिपोर्टिंग आप करते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, बहुत दिक्कतें आती हैं, पता है मुझे। पत्रकार मेरे जब भी मैं पोस्टिंग रही मेरी या स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट लीडर थे, हरियाणा में काम करते थे तो बहुत पत्रकार साथियों से वास्ता पड़ता था। तो चैलेंजेस देखे आपके और 90% जो पत्रकार साथियों से मेरा मिलना हुआ है बहुत अच्छे। कुछ एक लोग होते हैं समाज में हल्के होते हैं, कोई ये यहाँ अपवाद नहीं है, घर में देख लो आप सारे परिवार के सारे भाई के सभी होते तो कहीं कहीं थोड़ा वो रहता है तो धीरे रहना चाहिए, लेकिन फिर भी निर्भीक होकर पत्रकार काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो चैलेंज की बात की, बड़े चैलेंज की पिछले ज्यादातर क्या होते हैं दोनों काफी जो बड़े मीडिया हाउस हैं वो काफी लोगों ने अपनी जमीन बेच रखी है और बिल्कुल बात रहते हैं पत्र किसी के किसी के नाम क्या लोग आप समझ रहे हो सारी चीजें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक निष्पक्ष निर्भीक होकर पत्रकारों को अपनी बात रखनी चाहिए और ये तो एक मौका है आपके लिए, आप समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, आपको देख के लोग समाज में समझते हैं, मीडिया ही है लोग को प्रचार करता है और आज तो मीडिया बहुत ज्यादा हुआ है, पहले तो सिर्फ प्रिंट का था या थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, जब 19 की बात कर रहा हूं मैं, तो हर कोई पत्रकार है। तो सभी से अनुरोध कि आप लोग अपना अच्छा काम कीजिए और हम सब चाहे कोई किसी पार्टी से ग्रहण करता हो, हरेक के दिल हरेक के हृदय है, हर कोई समझता है, मजबूरियां हो सकती है, मजबूरियां हो सकती है, कई दफा सच नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपकी दिशा और दशा हमें अच्छी तरह मालूम है। तो आप मैं दोबारा से मैं आपको बधाई दूंगा कि आप लोगों को बड़ा अच्छा सिलेक्ट होना है और हमारी शुभकामनाएं सभी पत्रकार जो नए साथी आए हैं वो अपना अच्छा काम करें और हम कहीं भी आपके दूर पड़ी हर जगह साथ आपके साथ खड़े मिलेंगे जी। धन्यवाद, 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 थैंक यू जी।